नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आशु मेघवाल। चुनावड़ पुलिस थाना परिसर में व्यापारी रामचंद्र बजाज और उसका बेटा राजेश कुमार के साथ पीड़ित किसानों की फसल के भुगतान को लेकर कई बार बैठकों का दौला, लेकिन वहीं व्यापारी की पत्नी व पुत्र वधु चल रही वार्ता में आकर एक बार हंगामा खड़ा कर दिया और किसानों के साथ गाली गलौज भी करने लगी। किसानों द्वारा विरोध करने पर पुलिस ने इनको थाना से बाहर निकाल दिया गया। वहीं एकत्रित किसानों ने पुलिस प्रशासन से फसलों के पैसे दिलवाने की मांग की। किसान सुनील कुमार, दीपक कुमार, सोम गुंबर, सुरेंद्र कुमार, राम कुमार सहारन, जितेंद्र कुमार सियाग, जसवंत गणगस, भूपेंद्र रंधावा, नरेंद्र पाल सिंह, धर्मेंद्र कुमार, कृष्ण लाल, रामेश्वर लाल ने आरोप लगाया है कि किसानों की फसलों का भुगतान नहीं होने पर पिछले सप्ताह भर से किसान परेशान हो रहे हैं। पीड़ित किसान 8 फरवरी से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से पैसे दिलवाने की मांग कर रहे हैं। भुगतान को लेकर किसान और व्यापारी के बीच कई बार वार्ता का दौर चला और कई बार झड़पें भी। आखिरकार व्यापारी ने 25 मार्च तक किसानों को 50 लाख का भुगतान देना स्वीकार किया और शेष राशि का भुगतान शुक्रवार को निश्चित तारीख देकर भुगतान देने के लिए मान गया। इन किसानों का पैसा या व्यापारी 2-3 किस्तों में देने पर राजी हुआ है, जिससे पीड़ित किसानों में एक बार कुछ हौसला और धैर्य बंधा है। पीड़ित किसानों का कहना है कि उन्होंने जमीन ठेके पर लेकर काश्त की है और फसल के पैसे नहीं मिलने पर उनका भी बेहद बुरा हाल हो रहा है। उल्लेखनीय है कि चुनावड़ के व्यापारी रामचंद्र बजाज को क्षेत्र के 150 किसानों ने फसल बेची और जिनको खाली चेक दिए गए थे। दर्जन भर किसानों के गांवों को 5 करोड़ के लगभग भुगतान अटका हुआ है, जिसे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। किसानों द्वारा 18 फरवरी से किसानों ने पुलिस थाना व उप तहसील पर धरना प्रदर्शन कर रहे। गुरुवार को पुलिस थाने में व्यापारी और किसानों में थाना प्रभारी परमेश्वर सुतार की मध्यस्थता में 50 लाख किसानों का भुगतान करना व्यापारी से स्वीकार किया है और शेष राशि का शुक्रवार को तारीख निर्धारित करने का भरोसा दिया है। वहीं किसानों ने व्यापारी को चेतावनी दी है कि पूरा भुगतान नहीं किया गया तो वे व्यापारी द्वारा 12 बीघा बेची गई जमीन पर तंबू गाड़ कर धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों को पैसा दिलवाओ, पैसा दिलो, पैसा दिलो, फर्जी चोरों को अंदर बंद करो, फर्जी चोर। ब्याज भी पैसे भी दे रखे हैं जिनको इन्होंने ब्याज भरी है। लमसम वो रकम है 27,55,000 रुपए। इसमें एक ब्याज छूट भी रहा है, एक काश्तकार छूट रहा है। एक दो बता रहे हैं अभी काश्तकार के छूट रहे हैं, जो भी है कि हमें तो उस तरह से बताया गया, वो भी नहीं लिखा है। आप इसको चेक कर लेना, उसकी जो आगे है पीछे जो भी है तो कहे भी हाँ भी हमारा नहीं है या हमारा है, ज्यादा है कमी जो भी है, वो बात की बात है। फिलहाल जो जो इशार होगी आपके सामने इसमें एक बात और बता दूं, एक काश्तकार छूट रहा है। उसने 1,13,000 रुपए काश्तकार ने बताया भी मेरे फसल के हैं, लेकिन ये कह रहा है 54,000 रुपए प्लस उसके ब्याज वगैरह है, वो हिसाब में बाद में बता दूंगा आपको। और 1,43,000 रुपए का एक काश्तकार है जिसने फसल बेची है, वो मेरे पास आ गया था, वो कह रहा है भी मेरे फसल के पैसे है और ये बोल रहा है वो मेरे ब्याज के लिए है, वो भी इस ब्याज वाले में इंक्लूड है। ब्याज वाला है ततार सरका को काश्तकार है, 1,43,000 रुपए है उसके, वो ये कह रहा है ब्याज पे उसने कहा मेरे को फसल। किसान नेता भूपेंद्र सिंह जी, आज थाने के अंदर जो किसानों की उस व्यापारी के साथ जो वार्ता करवाई गई है उसका क्या निर्णय हुआ और क्या उम्मीद जगी आपको? उसका कोई निर्णय नहीं हो सका। उनकी औरतें आती हैं आके झगड़ा करने लग जाती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं, सोम प्रकाश को गाड़ी निकाली, वो कहती हैं वो ये बार बार यही कह रही हैं कि मैं यहाँ थाने में फांसी लेकर मर जाऊंगी, मैं थाने में फांसी लेकर मर जाऊंगी। यानी किसानों को उल्टा धमकी दे रही है, धमकी दे रही है, पैसा लेना है 2.25 करोड़ लोगों ने लेना है, 250 लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ। जो किसानों ने भुगतान लेना है उसके लिए उनका कोई लेना देना किसी बात पे नहीं आ रहे, किसी बात पर नहीं आ रहे। यहाँ मौजूद राम कुमार सारन जी, आज आप भी जो 5 सदस्यीय कमेटी थी उसमें सदस्य थे, तो इसमें क्या निर्णय हुआ है? कमेटी में कोई निर्णय नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि निर्णय होने नहीं देते, ये अपनी औरतों को यहाँ पे भेज देते हैं। औरतें थाने के अंदर बैठ के गाली निकाल रही है, थाने में गाली निकाल रही है, ये सबसे बड़ी बात ये है। और बार बार ये धमकी दे रही है, कह रही है कि हम फांसी ले लेंगे, हम यहां मर जाएंगे, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, जबकि किसान बहुत से किसान ऐसे हैं जो मरने के हालात में है,
जिनके पास बेचारों के पास 10-10 12-12 बीघे ठेके बले रखी है, उन्होंने 2-2, 3-3 लाख रुपए लेने, मरने के कगार पे तो वो है और आके धमकी इनकी औरतें देती है। ये उनकी चाल है, ये पैसे खाने चाहते हैं, हड़पने चाहते हैं, भागना चाहते हैं। यानी मैं ये भी मानता हूँ थाने में गाली निकाल रहे, इसका मतलब ये भी थाने वाले भी इनके साथ है। बहुत बुरी बात है, थाने के अंदर किसानों के साथ जो भद्र व्यवहार कर रही हैं इनकी औरतें, व्यापारी की औरतें, तो ये अच्छी बात नहीं है। और इन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये आज सुबह, वीरवार को आज सुबह से ये शाम तक किसान यहाँ पुलिस थाने के अंदर बैठे हैं। कई बार वार्ताएं भी हो चुकी हैं लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। और ये जो व्यापारी है, इसके परिवार, ये सब पैसा देने की नीयत में नहीं है। किसान नेता टहल सिंह जी, आज आप गुरुवार को ये चुनावड़ पुलिस थाने में इकट्ठे क्यों हुए हैं किसान? मैं जी के एस प्रवक्ता टहल सिंह चुनावड़ ब्लॉक, और मैं बताना चाहता हूँ कि आज किसान काफ़ी संख्या में चुनावड़ एरिया के जो किसान थाने में ग्राफ के करीब बैठे हैं। चुनावड़ का एक व्यापारी है रामचंद्र बजाज और उसका लड़का, दोनों ने इस एरिए के लगभग किसानों के साथ 2 करोड़ की फसल उधार ली है और लोगों को चेक दे रखे हैं, जो वो चेक बाउंस हो गए हैं। अब लोगों ने जब उनसे पैसा मांगना शुरू किया तो वो साफ मुकर गया और वो नाटक करने लगा कि मैं बेहोश हो गया हूँ, 2 दिन एडमिट भी रहा है। आज उनको पुलिस थाने में बुलाया गया है, पुलिस वालों के साथ अंदर वार्ता चल रही है और वो किसानों के साथ ठगी करके बिल्कुल किसान तो पहले ही मरा पड़ा है और ऊपर से वो मुकर गया पैसे देने के लिए। इसी बात को लेकर आज चुनावड़ थाने में लोगों ने ग्राफ किया हुआ है, अभी वार्ता चल रही है, आगे की बात रखेंगे।